देखते हैं। हमारा टॉपिक है सम्राट अशोक। इतिहास में, भारतीय इतिहास में सबसे शक्तिशाली जो योद्धा माना जाता है और बहुचर्चित जो व्यक्ति है, जो शासक है, वो है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 272 ईस्वी से 232 ईसा पूर्व का काल। क्लियर? 272 ईस्वी से 232 ईसा पूर्व का काल जो है वो क्या रहा है, सम्राट अशोक का कार्यकाल रहा है। क्या हुआ इस बीच में देखते हैं। सम्राट अशोक का जो नाम है, सम्राट अशोक का जो नाम है वो कहां पर मिला? सम्राट अशोक का नाम जो है वो मिला, देखिए, दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत, तो दक्षिणी भारत में दो अभिलेख मिले हैं, दो शिलालेख मिले हैं जहां पर कुछ लिखा हुआ है। एक शिलालेख का नाम है, दक्षिण भारत में एक शिलालेख का नाम है मास्की और दूसरे शिलालेख का नाम है गुजरा। मास्की और गुजरा जो शिलालेख है उन शिलालेखों में इस व्यक्ति का नाम अशोक लिखा हुआ मिला है। क्या मिला है? अशोक मिला है। कि इस राजा का नाम क्या था, तो इस राजा का नाम क्या है, अशोक है। क्लियर? अब आगे चलते हैं कि और भी इन्हें कुछ कहा जाता है क्या। तो सबसे पहले हम इनके शासन की बात करते हैं कि ये शासक किस तरीके से बने। कहा, इतिहास में कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने बिंदुसार के बाद में शासन संभाला, लेकिन बिंदुसार ये कभी नहीं चाहता था कि अशोक यहाँ का शासक बने। बिंदुसार ये कभी नहीं चाहता था कि यहाँ का शासक सम्राट अशोक बने। वो चाहता था कि यहाँ का शासक सुसीम बने। कौन बने? सुसीम। सुसीम भी बिंदुसार का पुत्र था। तो यहां पर जब वो नहीं चाह रहा था, तो जैन श्रुतियों के अनुसार, जैन अनुश्रुति है, मतलब जैन ग्रंथों के अनुसार क्या है कि बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध जाकर सम्राट अशोक ने सुसीम की हत्या कर वो वहां का शासक बना, मगध का शासक, और पूरे भारत पर अधिकार किया। अब साम्राज्य की बात करें तो साम्राज्य तो बहुत बड़ा था इसका। कैसे? देखिए, पहली घटना तो अपन देख रहे हैं कि ये शासक कैसे बना, तो जैन अनुश्रुति, यानी कि जैन ग्रंथों के अनुसार ये माना जाता है कि बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध, बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध शासक बना। और इतिहास में यह भी कथा वर्णित है, चर्चा का विषय है, कि इन्होंने अपने 99 भाइयों का की हत्या कर ये शासक बना था। कितने भाइयों की? 99 भाइयों की हत्या करके ये शासक बना था, जिनमें सबसे प्रमुख जो भाई था वो कौन था? सुसीम था। क्लियर? तो बिंदुसार के बाद में जो भारत का शासक बनने वाला है, मगध का जो शासक बनने वाला है, वो कौन है? अशोक है। क्लियर? तो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद में सम्राट अशोक शासक बना। क्लियर? अब यहां पर देख लिया हमने कि अशोक सम्राट का जो नाम है अशोक वो कहां पर मिला, तो एक शिलालेख है मास्की और दूसरा शिलालेख है गुजरा, ये दक्षिणी भारत में मिले हैं। तो वहां पर उन शिलालेखों में इस शासक का नाम कौन, क्या लिखा हुआ है? अशोक लिखा हुआ है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार क्या मिलता है कि यहां पर जो अशोक सम्राट है उनको, इनके जो पिता है बिंदुसार, वो कभी नहीं चाहते थे कि वो शासक यहाँ के बने, लेकिन फिर भी ये यहाँ के शासक बने। कौन? अशोक। कई अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रिय कहा गया है, तथा देवानाम प्रिय दर्शी, देवानाम प्रिय दर्शी कहा गया है। किसको कहा गया है? अशोक को। दो नाम हो गए, देवानाम प्रिय भी किसको कहा जाता है? अशोक को, और देवानाम प्रिय दर्शी भी किसे कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। ये कहां पर मिला है? ये अभिलेखों में मिला है। जो शिलालेख है, स्तंभ लेख है, उन सब में इनका जिक्र किया गया है, सम्राट अशोक का।
और सबसे ज्यादा जो शिलालेख लिखवाने वाले व्यक्ति हैं, जहां पर बुदवाने वाले व्यक्ति हैं, अभिलेख, स्तंभ लेख, शिलालेख, जो भी लिखवाने वाले व्यक्ति हैं सबसे ज्यादा, वो सम्राट अशोक ही हैं। इनके द्वारा ही सबसे ज्यादा इनका प्रचार प्रसार किया गया है। तो हमने देख लिया कि इनके नाम के बारे में चर्चा कर ली कि इनका नाम क्या क्या रहा है। तो पहला नाम तो हो गया इनका अशोक, जो मास्की और गुजरात से मिला है, और दूसरा जो अभिलेखों से मिला है इनको देवानाम प्रिय और देवानाम प्रिय दर्शी भी कहा गया है, यानी कि देवताओं का प्रिय व्यक्ति, यानी कि देवताओं को होने वाला प्रिय, देवता इनसे प्रेम करते हैं, ऐसा विद्वानों ने कहा है, देवताओं का प्रिय, इसलिए देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी ने कहा गया है। किसको कहा गया है? अशोक को कहा गया है। क्लियर। अब आगे चलते हैं कि यहां पर इनके शादी के बारे में बात करते हैं, इनकी जो पत्नी थी वो कौन थी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो अशोक सम्राट थे ये गए थे विदिशा। कहाँ गए? विदिशा। तो विदिशा की एक राजकुमारी थी, और राजकुमारी का नाम था देवी। क्या नाम था? देवी। विदिशा की राजकुमारी कौन हो गई? देवी। देवी से इन्होंने 20 वर्ष की आयु में, मात्र 20 वर्ष की आयु में देवी से इन्हें प्रेम हो गया। जब इनको प्रेम हो गया, प्यार हो गया, तो इनके साथ में इन्होंने शादी कर ली, और शादी करने के उपरांत विदिशा की जो राजकुमारी थी देवी, उनसे दो संतानें उत्पन्न हुई इनके, दो, एक पुत्र और एक पुत्री पैदा हुई। देखते हैं कौन कौन सी थी वो। देखिए, विदिशा की जो राजकुमारी है देवी और अशोक, देवी और अशोक, इनकी जो संतानें थी, इनकी क्या है? संतान। तो संतान कौन कौन सी है? देवी और अशोक की जो संतानें थी, तो एक तो पुत्री थी, क्या थी? पुत्री। और एक क्या था? पुत्र था। तो पुत्री कौन थी? तो पुत्री का नाम था सिंह मित्रा। क्या नाम था? सिंह मित्रा। और पुत्र का जो नाम था वो था महेंद्र। क्या नाम था? महेंद्र। पुत्री का नाम था सिंह मित्रा, जबकि पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र। ये दो इनके पुत्र हुए, पुत्री और पुत्र हुए देवी और अशोक के। इनके अलावा इनकी एक रानी और थी, जो इतिहास में अभिलेखों में भी उनका नाम आता है। अन्य रानियों का नाम अभिलेख में नहीं आता है, लेकिन इस रानी का नाम शिलालेख में आता है। कौन सी रानी है जिसका नाम शिलालेख में आता है? तो एक रानी थी इनकी कुरुवाकी। कुरुवाकी, ये जो कुरुवाकी है ये कलिंग की रहने वाली थी। इतिहास में ये माना जाता है कि जो कुरुवाकी थी ये मछुआरन थी। क्या थी? मछुआरन। जब अशोक यहां पर गए तो उनको पता चला कि ये सुंदर लड़की थी, तो इससे ये प्रेम करने लगे और इनसे शादी कर ली। तो इतिहास में ये बहुत चर्चित है, कौन सी? कुरुवाकी। कहां की थी ये? कलिंग की थी। ठीक है, तो यहां पर दूसरी पत्नी कौन हो गई इसकी? कुरुवाकी। पहली कौन सी हो गई? देवी। तो दोनों के नाम इतिहास में चर्चित है। देवी कहां की रहने वाली थी? विदिशा की। और कुरुवाकी कहां की रहने वाली थी? कलिंग के। कलिंग वर्तमान का उड़ीसा, उड़ीसा को कलिंग बोला जाता था उस समय। क्लियर। तो वहां की रहने वाली कौन सी है? कुरु वाकी। अब हम बात करते हैं कि इनके जो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, वो पहले राज्याभिषेक हो गया था 272 ईस्वी में, लेकिन वो राज्याभिषेक जो हुआ था वो विधिवत तरीके से राज्याभिषेक नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय मगध षड्यंत्रों का केंद्र बना हुआ था, उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, इसलिए राज्याभिषेक नहीं हो पाया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 269 ईस्वी में, 269 ईस्वी में इनका विधिवत तरीके से क्या किया गया? राज्याभिषेक किया गया। किसका राज्याभिषेक किया गया? अशोक का राज्याभिषेक किया गया। तो हम बोलते हैं कि राज्याभिषेक के लगभग 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के लगभग 8वें वर्ष एक युद्ध हुआ जो इतिहास में काफी वर्णित है, और उसका नाम है कलिंग का युद्ध। कहा जाता है कि इस युद्ध में लगभग 1 लाख व्यक्ति मारे गए थे। कौन से युद्ध में? कलिंग के युद्ध में। और ये कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 में। कलिंग कहां पे है वर्तमान के? उड़ीसा में। तो यहां पर एक युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में 1 लाख व्यक्ति मारे गए हैं। अब यहां पर जो युद्ध लड़ा गया था, तो सामने इसके अपोजिट में कौन सा शासक था जिससे इन्होंने ये युद्ध लड़ा था? तो वहां पर एक शासक था जिसका नाम था नंदराज। नंदराज।
नंदराज नाम के शासक से इन्होंने युद्ध किया था और उस युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। और 1 लाख व्यक्ति जब मारे गए तो ये उनको देखकर आहत हुए, बहुत ज्यादा दुखी हुए। अब दुखी हुए तो इन्होंने क्या कर दिया कि अपने अस्त्र शस्त्र उसी समय डाल दिए कि मैं भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि इतने लोग मारे गए हैं, बेकसूर लोग मारे गए हैं। तो इसलिए वहां पर इन्होंने क्या कर दिया, अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए कि अब भविष्य में कोई युद्ध नहीं होगा। और इन्होंने भेरी घोष की जगह, यानी कि युद्ध घोषणा की जगह धम्म घोष की बात की, या यूं कहते हैं कि धम्म घोष को इन्होंने अपनाया, धर्म के रास्ते पर चलने को इन्होंने अपनाया। भैरी घोष और धम्म घोष में अंतर क्या है? भैरी घोष होगा क्या कि ये युद्ध करेंगे, और धम्म घोष क्या होगा, धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, धर्म की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा करेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हम युद्ध को एक बार बोर्ड पे, किस तरीके से युद्ध हुआ था, कितने लोग मारे गए थे। तो हम बात कर रहे थे कलिंग के युद्ध की। कौन सा युद्ध है? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईस्वी में, या यूं कह दें कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। कब हुआ? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ। किस किस के बीच में हुआ? अशोक वर्सेस नंदराज। विजय किसकी हुई? अशोक की हुई। नंदराज परास्त हो गया। 1 लाख लोग मारे गए, कौन से युद्ध में? कलिंग के युद्ध में। तो इससे आहत होकर, इससे दुखी होकर अशोक ने क्या किया, अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दी कि भविष्य में दोबारा युद्ध नहीं करूंगा। और भैरी घोष की जगह, किसकी जगह? भैरी घोष की जगह जगह धम्म घोष को अपनाया। किसने अपनाया? अशोक ने अपनाया। भैरी घोष की जगह धम्म घोष को इन्होंने अपनाया। क्लियर है? तो आगे क्या हुआ देखिए, अब तक का जो शासन काल है, अब तक का जो शासन था, उस शासन में इन्होंने कहां कहां तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया देखिए। यहां पर है हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश से लेकर गोदावरी नदी तक, दक्षिण में गोदावरी तक, पूर्व में बांग्लादेश, अभी वर्तमान का बांग्लादेश, से पश्चिम में ईरान, अफगानिस्तान, इन सेक्टरों तक इन्होंने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो इतना बड़ा साम्राज्य जो था वो किसका था? सम्राट अशोक का था। किसका था? सम्राट अशोक का। हिंदू कुश पर्वत से लेकर गोदावरी तक, उत्तर से दक्षिण तक, हिंदू कुश से लेकर गोदावरी तक इनका शासन रहा है, और बांग्लादेश से लेकर ईरान में अफगानिस्तान जो क्षेत्र है वहां तक इसका अधिकार क्षेत्र रहा है। किसका? अशोक का। जब ये युद्ध हो गया, इन्होंने अस्त्र शस्त्र डाल दिए, तो उसके बाद में एक सन्यासी थे, एक बौद्ध धर्म के व्यक्ति हैं जिन्हें इतिहास में उपगुप्त के नाम से जाना जाता है, और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम है श्रमण, शर्मण निग्रोध, और इनके साथ में कौन हो गए? उपगुप्त। शर्मण निग्रोध और उपगुप्त से इन्होंने क्या ली? दीक्षा ली। कौन सा धर्म अपना लिया इन्होंने? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया। श्रमण निग्रोध और उपगुप्त से इन्होंने क्या ले ली? दीक्षा ले ली, और बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया। किसने अपना लिया? सम्राट अशोक ने अपना लिया। क्लियर है? अब आगे क्या हुआ देखिए, इन्होंने धर्म के रास्ते पे चलना प्रारंभ कर दिया, लोगों की रक्षा करने की इन्होंने योजना बनाई। अब यहां पर देखिए एक शिलालेख है, भाबरू शिलालेख। भाबरू शिलालेख का की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वो भी इनके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अशोक के द्वारा की गई थी। तो यहां पर इतिहास में बहुत सारे जो शिलालेख हैं वो शिलालेख किसके प्रसिद्ध हैं? अशोक के प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं आगे की। देखिए इन्होंने धर्म अपना लिया, कौन सा? बौद्ध धर्म। तो इतिहास में यह भी चर्चा का विषय है कि बौद्ध धर्म से पहले इन्होंने कौन सा धर्म अपना रखा था। तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है राज
राज तरंगिणी, और इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है कलहण। ग्रंथ का नाम क्या है? राज तरंगिणी, और रचनाकार कौन है? कलण। तो इस ग्रंथ में कहा गया है कि जो अशोक थे वो शिव, या यूं कह दें कि शिव के अनुयायी थे, या शैव मत के अनुयायी थे। अनुयायी शिव बोलो या शैव बोलो, तो शैव मत के अनुयायी कौन थे? अशोक सम्राट थे। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो राज त्रिंगिणी ग्रंथ में मिलता है। राज त्रिंगिणी ग्रंथ का रचनाकार कौन है? कल्लण है। क्लियर? तो बौद्ध धर्म जो है, पहले बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म बाद में अपनाया, उससे पहले ये शैव मत के अनुयायी थे। कौन? सम्राट अशोक। आगे क्या हुआ देखिए, इन्होंने बौद्ध धर्म की रक्षा के लिए और भी कई उपाय सोचे हैं। जो आजीविक थे, आजीविकों के लिए चार गुहा या गुफा का निर्माण कराया। आजीविकों के लिए चार गुहा या गुफा का निर्माण करवाया। किसने करवाया? अशोक ने करवाया। देखिए, पहाड़ी कौन सी है? एक पहाड़ी है बराबर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी। बराबर की पहाड़ी पर इन्होंने चार गुफाओं का निर्माण करवाया। पहली जो गुफा थी इनकी, वो गुफा थी, इतिहास में काफी चर्चित है, जिसका नाम है चापार। कौन सी है? चापार। दूसरी है सुदामा। कौन सी है? सुदामा। तीसरी जो गुफा है उसका नाम है विश्व झोपड़ी। क्या नाम है? विश्व झोपड़ी। और चौथी जो गुफा है उसका नाम है कर्ण, कर्ण जिसको अब हम बोलते हैं। चापार, सुदामा, विश्व झोपड़ी और कर्ण, ये चार गुफाएं इनके द्वारा निर्मित की गई आजीविकों के लिए। इनके लिए? आजीविकों के लिए। क्लियर? तो राजतरंगिणी ग्रंथ जो है कलण द्वारा लिखा गया, इसमें शैव मत के अनुयायी होना बताया है कि बौद्ध धर्म से पहले इन्होंने शैव मत को अपना लिया था, शैव मत के अनुयायी थे ये, और आजीविकों के लिए इन्होंने चार गुहा का निर्माण करवाया। एक पहाड़ी थी जिसका नाम था बराबर की पहाड़ी, और ये जो चार गुहा है इनका जो नाम था, गुहा बोलो या गुफा बोलो, बात एक ही है। चार जो नाम है इनके, चापार है, सुदामा है, विश्व झोंपड़ी है और कर्ण है। अब इनको, इनके द्वारा धर्म के रास्ते पर चलने के लिए कई धर्म के लिए योजनाएं बनाई गई। अब किस तरीके से बनाई वो देखते हैं। धर्म के रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले देखते हैं धर्म। धर्म क्या होता है? धम क्या होता है? धम उसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा नीति पूर्वक आदर्शों का पालन किया जाए। किसी व्यक्ति द्वारा नीति पूर्वक आदर्शों का पालन किया जाए वो क्या है? धम है। मतलब धर्म के रास्ते पर चले, और उधर चलने के लिए कौन कौन सी शर्तों का होना आवश्यक है वो चीज हम देखते हैं। धर्म, नीति, नीति, आदर्श। कैसे नीति हो? आदर्श नीति हो। तो जो आदर्श के रास्ते पर चले तो उनमें क्या है? धम्म में देखिए कौन कौन सी बातों का पालन होना चाहिए। एक तो पाप निर्वित हो, पाप निर्वित हो, पाप नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति को किसी धर्म की रक्षा के लिए उसके प्रति क्या नहीं होना चाहिए? पाप नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है? एक सभी का कल्याण करें, और दया की भावना रखें, दया की भावना, जीवों की रक्षा करें, जीवों की रक्षा करें, ठीक है, बड़ों का आदर करें, गुरु का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें, इत्यादि सारी जो योजनाएं हैं, सारी बातें, इनके अलावा और भी बहुत सारी है, लेकिन हमें मुख्य मुख्य ध्यान रखनी है कि धर्म में क्या आता है कि पाप निर्वृत्त होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए मन में, सभी का कल्याण करने की भावना हो, दया की भावना हो, जीवों की रक्षा करना है, बड़ों का आदर करना है, गुरु का सम्मान करना है, वो सारी चीज में किस में आती है? धर्म में आती है। एक योजना होती है विहार, विहार यात्रा। क्या होती है? विहार यात्रा।
ये विहार यात्रा क्या है? कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विहार यात्रा से क्या आशय है, आप विहार यात्रा से क्या समझते हैं? तो विहार यात्रा क्या है, देखिए विहार यात्रा ये है कि देखिए, अगर कोई राजा है और राजा जब यात्रा पर जाता है, कोई राजा है और वो यात्रा पर जाता है, तो यात्रा पर जाते समय वो क्या करता है? शिकार करता है। क्या करता है? शिकार करता है। कहां पर जाते समय? यात्रा पर जाते समय। तो उस प्रक्रिया को, जो शिकार करने वाली जो प्रक्रिया है, उसे कहा जाता है विहार यात्रा। क्लियर? विहार यात्रा कैसे कहेंगे? अगर कोई भी राजा जब शिकार यात्रा के लिए निकलता है और उस समय जब वो यात्रा पर जा रहा होता है, तो उसी समय वो क्या करेगा? शिकार करेगा। जानवरों को क्या करेगा? शिकार करेगा। उसी यात्रा को विहार यात्रा के नाम से जाना जाएगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। एक ही होती है धम्म यात्रा। तो धम्म से का नाम आते हैं, आप समझ गए होंगे कि धम्म यात्रा का मतलब क्या होगा? धर्म की रक्षा के लिए यात्रा करना। क्लियर? अब यहां पर सारी चीजें हमने देख ली। धम्म क्या है? सभी का कल्याण करे, दया की भावना रखे, पाप नहीं हो, बड़ों का आदर करे, गुरु का सम्मान करे, माता पिता की सेवा करें, वो सारी चीजें किसमें आएगी? धम्म में आएगी। लेकिन धम्म यात्रा क्या है? धम्म यात्रा किसे कहेंगे? तो धम्म यात्रा जो करनी है हमें, वो कहेंगे कि यात्रा करते समय यात्रा कहां की होगी? बुद्ध की होगी। बुद्ध, महात्मा बुद्ध। तो वहां पर यात्रा करते समय ये क्या करेंगे? देखिए, जो श्रमण लोग हैं, श्रमण, ठीक है, इनके अलावा ब्राह्मण लोग हैं, इनके अलावा और देखिए, श्रमण हो गए, ब्राह्मण हो गए, वृद्ध लोग हो गए, इन सभी को क्या करेंगे? स्वर्ण भेंट स्वरूप देंगे या बांट देंगे इनको। क्या करेंगे? स्वर्ण बांटेंगे। क्या करेंगे? स्वर्ण बांट देंगे। किनको बांटेंगे? श्रमण को, ब्राह्मण को, व्रत। कोई भी राजा धम्म यात्रा करेगा तब अपने आदर्शों का, नीति आदर्शों का पालन करते हुए श्रमण, ब्राह्मण और वर्द जनों को क्या करेगा? स्वर्ण देगा। क्या देगा? सोना देगा। क्लियर? तो इसलिए धम्म यात्रा ये प्रसिद्ध है, विहार यात्रा इस तरीके से ये प्रसिद्ध है। एक आता है अनुसंधान। अनुसंधान क्या है? अनुसंधान क्या है? ये से शब्द इतिहास में पूछे जाते हैं कि धम्म क्या है, विहार यात्रा क्या है, धम्म यात्रा क्या है। एक शब्द आता है अनुसंधान। अनुसंधान यहां पर कोई साइंस का सब्जेक्ट नहीं है या कोई टॉपिक नहीं है कि अनुसंधान, किसी चीज पर अनुसंधान किया जा रहा है, ठीक है। ये अनुसंधान क्या है कि जब कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो यात्रा करने के लिए जो रज्जुक है, ठीक है, प्रादेशिक है, रज्जुक है, प्रादेशिक है, ये क्या करेंगे कि प्रति पांच वर्ष में बुद्ध की यात्रा करेंगे। क्या करेंगे? यात्रा करेंगे। अनुसंधान क्या हो गया कि कोई भी व्यक्ति, जैसे रज्जुक है, प्रादेशिक है, ये उस दरबार में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, बुद्ध धर्म को मानने वाले जो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति क्या करेंगे? प्रति 5 वर्ष में एक बार तो जरूर यात्रा करेंगे। क्या करेंगे? यात्रा करेंगे। ये क्या हो जाएगा? अनुसंधान हो जाएगा। तो हमारे पास में 4-5 शब्द हो गए, धम्म हो गया, विहार यात्रा हो गई, धम्म यात्रा हो गई और अनुसंधान हो गया। एक धम्म महायात्रा भी होती है, ठीक है, क्या होती है? धम्म महायात्रा। तो धम्म महायात्रा में वही नीति आदर्शों का पालन करते हुए, कल्याणकारी भावना हो, लोगों का भला करें, दया की भावना रखें और बड़ों का सम्मान करें, माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों का सम्मान करें, बड़ों की आज्ञा का पालन करें, ये सारी चीजें भी किसमें आएगी? वो भी धम्म महायात्रा में आएगी। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पर ये यात्राओं के बारे में वर्णन हो गया। अब एक शब्द आता है कि अशोक ने
बुद्ध के त्रिरत्न माने। त्रिरत्न, बुद्ध के त्रिरत्न माने हैं। तो बुद्ध के त्रिरत्न कौन से माने हैं? देखिए, एक रत्न जिसे हम बोलेंगे संघ, एक को बोलेंगे धम्म और तीसरा जो है वो उसी का नाम है बुद्ध। संघ, धम्म और बुद्ध, संघ, धम्म और बुद्ध, ये तीन नाम ये त्रिरत्न कहलाए हैं। और ये जो नाम दिया है वो किसने दिया है? अशोक ने दिया है। किसने दिया है? अशोक। क्लियर? तो अब इसके अलावा और सामान्य बातें देखें हम, तो जो अशोक सम्राट हैं वो उनके द्वारा जब राज सिंहासन पर बैठा गया था तो उसके 10वें साल वो बोधगया गए, यानी कि बोधगया कहाँ पे है? बिहार में है। तो वहां पर यात्रा करने के लिए गए, सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ होने के बाद में या सिंहासन पर बैठने के बाद में 20वें वर्ष, सिंहासन के बैठने के बाद 20वें वर्ष ये लुम्बिनी यानी कपिल वस्तु भी गए। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कई यात्राएं भी की। ये जो घटना है त्रिरत्न वाली, ये एक शिलालेख है जिसका नाम है भावरू शिलालेख। इसका जो उल्लेख है वो किसमें है? भावरू शिलालेख में मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अशोक ने कई जगह यात्रा की, कई शिलालेख लिखवाए और कई जगह जैसे ये यात्रा करते थे तो उसी समय एक हाथी गुम्फा शिलालेख है। उस शिलालेख में ये माना गया है, उसमें ये बताया गया है कि इन्होंने जो करों में जो कर बढ़े हुए थे, मतलब 1/6 उस समय कर लिए जाते थे, उनमें कमी कर 1/8 कर लिए जाने लगे, यानी करों में भी कमी कर दी। तो मतलब इतना सारा कुछ कौन कर रहा है? सम्राट अशोक कर रहा है। तो ऐसे महान योद्धा की जो कहानी है वो इतिहास में हमेशा के लिए चर्चित रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो अशोक सम्राट है उसका जो अपना जो टॉपिक है अशोक सम्राट, वो सारी चीजें उनसे जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो हमने देख ली है। ठीक है, तो इतना ही। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा वो हम अगले सेशन में बात करेंगे उसकी। धन्यवाद।